Recorder has been started. So we are right now in the second part of array. So yesterday we seen that we have taken array, what is array, and its couple of programs basically, right? So now today will be second part of array. So what we will cover, we will cover another more example of array basically, so that you will get more confidence on the array, and at least you can come to know which type, if any kind of any question is asked in the interview, so you can at least able to answer it, at least able to tell the logic to him. ठीक है. तो next जो program था अपना ये वाला program था, जैसे बताया था array है, array के अंदर ये सारे elements है. तो what we need to do even position का sum करना था और odd position का subtraction करना था. तो इसके लिए program क्या हो सकता है, जो हमने कल किया था ना परसेंट मॉड टू राइट करके, एग्जैक्टली वैसे इवन आउट का करने का, और ओ सम एक को सम में लेने का और सम प्लस करके ए ऑफ आई देने का. एग्जैक्टली ग्रेट ऑसम. इंट तो वही करेंगे हम, इंट सम इक्वल टू 0. ये तो आपको लगेगा ही, यहाँ पे मैं भी आई लिखता, आई परसेंट टू, उनका हमें सम करना है. तो नेक्स्ट पर हम ये भी ले सकते हैं, इसमें जितने भी इवन नंबर से इनका सम करो और जितने भी ऑड नंबर से इनका सब्स्टिट्यूशन करो. क्या करने का बता दें, एक मिनट. क्वेश्चन ये कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ इवन नंबर्स, इवन नंबर इंडेक्सेस हाँ इंडेक्सेस एंड सब्स्ट्रैक्ट और पोजीशन. कोई तो म्यूट करेगा, अगर म्यूजिक पीछे से आवाज आ रहा है. नंबर सी वाला. तो इस केस में क्या होगा, आपका जो सम होगा दैट विल बी इन दैट वे 30 - 5 + 7 - 8 + 9, इन दैट वे चलेगा वो. ये जो हम लोगों ने वैसे किया, अभी देखते हैं इसको ऐसा कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन डू दैट वन. करीबन कर पाए चुना ठीक है थी. उदय करो अटलस सर. देखो अभी ये क्या होता है, ये एरे है, इस एरे में ये सारे नंबर से ये सम है. तो जैसे ये वाला लॉजिक है, तो ये वाला मुझे फिर से डिलीट करना पड़ेगा. अभी तो इसको डिलीट कर लेते हैं. मेरा सम नाम का वेरिएबल है,
जिसमें इनिशियल वैल्यू क्या है, जीरो है। आई की वैल्यू इनिशियल क्या होगा, जीरो होगा। जीरो लेस देन इसके ये पूरा टेन टेन कंडीशन पास हो, कंडीशन पास हुआ अभी इसके लिए इसके अंदर चला गया। यहाँ पे देखो आई परसेंट टू लिखा है, मतलब क्या 0% 2। इज इट ऑड नंबर और इवन नंबर, इट इज़ अ इवन नंबर राइट। सो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, कंडीशन ट्रू इसलिए वो यहाँ पे आया। यहाँ पे देखो सम की लेटेस्ट वैल्यू क्या है, 30 प्लस ए ऑफ आई, ए ऑफ आई की लेटेस्ट, सॉरी 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 सॉरी, यू कैन सी ओके, यू कैन सी सम की लेटेस्ट वैल्यू क्या है, जीरो है। प्लस ए ऑफ आई के लेटेस्ट वैल्यू क्या है, 30 है। तो 0 प्लस 30 30 हो जाएगा, दैट विल गेट स्टोर इन सम। तो ये आपका सम स्टोर हुआ, ये आपके सम में 30 स्टोर हुआ। अरे यार एक सेकंड, आपका सम में 30 हुआ। फिर वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आया, फिर यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से आने का आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो आई की वैल्यू 1 हो गई। तो वो चेक करो 1 लेस देन 10 है क्या, हाँ 10 है। तो इसके लिए इसके अंदर चला आया, तो यहाँ पे देखा आई 1 है, तो चेक करो 1% 2 कितना आता है, ये आपको रिमाइंडर देगा 1, 1 1 इक्वल टू 1 0। कंडीशन फेल होता है, कंडीशन फेल होता है इसलिए वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद उसको पता चलता है सम की लेटेस्ट वैल्यू क्या है, 30 है। आई अभी रिपोर्ट पॉइंट किस और 1 को कर रहा है, मतलब ये आ जाएगा 30 माइनस 5, 30 माइनस 5 कितना है, 25 है बड़ा। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आएगा, उसको पता चलेगा वापिस जाना है। तो आई की वैल्यू क्या है, 2 है, 2 लेस देन 10 करेगा, कंडीशन 2 है, कंडीशन ट्रू है। और ये आप इसके बाद यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे चेक करेगा 2% 2 है कि हाँ, कंडीशन रिमाइंडर कितना आता है इसके, इतने 0 होता है। तो 0 इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू होता है इसीलिए वो इसके अंदर चला आता है। तो लेटेस्ट वैल्यू क्या है सबकी, 25 प्लस, अभी ये आई किसको पॉइंट कर, सेकंड है, तो ए पर ई आ जाएगा, 25 प्लस 32 आ जाएगा। तो इस वजह से वो चलता रहेगा पूरा का पूरा प्रोग्राम एंड तक, और आपको ये आउटपुट आ जाएगा। किसी डाउट अभी इस केस में, ठीक है। अभी एक सेम प्रोजेक्ट, अभी किसी ने मुझे लॉजिक बताया था, वैसे भी वाला प्रॉब्लम लिख सकते हैं, ये वाला मैंने पेश किया है। तो नेक्स्ट प्रोग्राम लिखते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल इवन नंबर्स इन दी अरे, इवन जितने भी इवन नंबर से इन सब का प्रिंट करना, जैसे कि ये वाला केस में, एंड सबस्ट्रैक्ट ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम दी अरे। सबको समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी ये मुझे इंडेक्स के बेस पे नहीं चाहिए। जैसे कि इस केस में अगर मैं देखा जाऊंगा तो मुझे क्या पता चलेगा, सम केस में क्या आएगा, देखो पहले मेरा 30 आ जाएगा, सम का मुझे इवन करना, ए माइनस आ जाएगा, 5 आ जाएगा, -7 आएगा, +8 आएगा, -9 आएगा, +10 आएगा, +12 आएगा, -23 आएगा। सबको समझ में मैं क्या कर रहा हूँ अभी इस केस में, मतलब जो भी और बिल्कुल जो भी इवन नंबर से मैं उनकी सम कर रहा हूँ, जो भी ऑड नंबर से मैं उनका सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ। तो अब ये वाला कैसे कर सकते हो, बस वहां पे इफ ए ऑफ आई करना है। बस ए ऑफ आई करना है, बाकी कुछ नहीं करना है राइट। देखो मतलब आपको ये इतना तो समझ है, कोई भी दे दे, एटलीस्ट आपको सिर्फ लॉजिक ढूंढना है और वो लॉजिक आपको यहाँ पे डालना है, बाकी कुछ नहीं करना। अभी इससे क्या होगा पता है क्या, वो बताएगा कि अभी हम लोग क्या करें, जो अभी ये इंडेक्स है 30, ये कौन सा नंबर, इवन है भाई, हाँ इवन है तो इनकी सम करो। फिर आई बढ़ेगा 5 होगा, 5 क्या ऑड है भाई, ये क्या है ऑड है, कंडीशन फेल हो जाएगा, इनका सब्ट्रैक्शन करो। फिर 7 है, 7 क्या है ऑड है, ऑड है तो इधर नहीं जाएगा, यहाँ पे आएगा भाई, उनका भी सब्ट्रैक्शन करो। तो सेम वे चलता रहेगा, ठीक है। मैं कुछ लिखा भी देता हूँ, देखो ये इवन है इसलिए अंदर चला गया, अभी ये 5 के लिए चाह रहा है, 5 ऑड है,
फाइव ऑड है तो ऑड के लिए है। अभी नेक्स्ट नंबर 7 है, वो भी ऑड है, इसलिए वो पीछे चलेगा, निगेटिव एल्स पार्ट में चलेगा, तो इस वजह से चलता रहेगा। ठीक है, अभी इसका मैं लॉजिक डिबग नहीं करके देता, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ओके इसके बाद और जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है अपना, ऐसा कर सकते हो, राइट अ प्रॉब्लम टू प्रिंट रिवर्स एन एरे। हमें एरे रिवर्स करना, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरा मान लो कि मेरा कोई एरे ऐसा है, तो उनका आउटपुट कैसे चाहिए पड़ेगा, ये मेरा इनपुट मान लो, एक सेकंड आ, ए प्रीति इकड़े तू उठला बघा नवीत, ये मेरा इनपुट है, आउटपुट में क्या आना चाहिए आपका, ये रिवर्स में आना चाहिए। ये सारे नंबर उल्टे रहेंगे, 1, 0, 23, सॉरी 0, 0, 1, 23, 12, 10, 9, 8, 7, 5, 30, ये आपका लॉजिक होना चाहिए। ठीक है, तो अभी आप किसको कैसे कर सकते हो, देखो पहले तो आप डायरेक्टली तो यहाँ का नंबर यहाँ पे नहीं डाल सकते हो, डालेंगे तो कुछ फाइव मतलब कैसे होगा पता होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होगा पता है, ये नंबर चला जाएगा बेसिकली सब बच्चों का। तो हम लोग क्या करते हैं, एक ये आरे बनाते हैं और एक डमिया आरे बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इंट बी इक्वल टू न्यू इंट, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ए डॉट लेन लिखता हूँ, मतलब मैंने क्या किया, एक एरे किया है और एक डमी एरे लिया, लेकिन डमी एरे की साइज क्या लगी, जो इसकी साइज है वही रखी, ताकि अभी मेरे मेरे पास क्या होगा, इसका एरे जैसा इस एक आरे बन जाएगा, लेकिन एलिमेंट नहीं रहेंगे। अभी मैं रिवर्स ऑर्डर में जाऊंगा, बस मुझे कुछ नहीं करना। देखो मेरा अभी जे क्या होगा, जे इक्वल टू ऐसा बोल सकते हो ए डॉट लेंथ -1 करना है, मैं बताता हूँ, क्योंकि एरे के अंदर 0 से स्टार्ट होता है, तो आपकी जो भी वैल्यू होगी ये होगा। अगर आपको एक को कम करना है, एक को बढ़ाना है, बस उतना ही करना है आपको, दिखाता हूँ अभी। अभी इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ओके मुझे ये सारी चीज़ें इंट बी में, बी मतलब ये है क्या? बी एक मिनट, इंट बी मतलब डमी एरे है क्या? हाँ डमी आ रहे हैं, मतलब डमी नहीं बोल, हाँ डमी एम्प्टी आ रहे बोल सकते हैं, लेकिन उसकी साइज ए के आ रहे के जितना ही है, ताकि अभी मैं क्या करूँ, मुझे रिवर्स करना है ना, तो ये सारे नंबर्स में उल्टा इसमें इसमें स्टोर करने वाला अभी। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, फिर इसको उल्टा चलते हैं हम लोग, इसके दो लॉजिक से दोनों भी से चल सकते हैं, थोड़ा ये और इस वजह से करते हैं, तो ये वाला कभी हमने ट्राई नहीं किया था। ओके अभी जे की वैल्यू मुझे यही 0 रखनी पड़ेगी, हो गया अपना काम, आई थिंक ऑलमोस्ट डन है, राइट। अभी मुझे एक काम करना पड़ेगा, जे की वैल्यू बढ़ाना, जे प्लस प्लस करते हैं, फिर मुझे ये प्रिंट भी करना पड़ेगा। अगर आप आउटपुट देखोगे ना, वही है, देखो आपके सारे नंबर रिवर्स हो गए, देखो 0 है, 1 है, 23 है, 12, देखो नंबर्स रिवर्स हो गए नहीं, राइट। मतलब मैं आपको ये दिखाता बी वाला, सबको समझ में क्या किया है, अभी मैं आपको डिबग करके दिखाऊँ क्या।
रिवर्स कैसे है समझ में नहीं है। भरत में होल्ड ऑन, एक मिनट होल्ड करते हैं, बाकी लोग ज्वाइन होंगे। ओके ठीक हो रहा है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, व्हाट वी विल डू, ओके व्हाट वी विल डू, म्यूट करो क्या बाकी लोग। ओके कहाँ पे गए थे हम लोग, हमें डिबग करना था, तो अभी इसको हम लोग डिबग करते हैं। कैसे होता है डिबग, देखो पहला एक एरे है जिसमें 10 एलिमेंट्स हैं, ये वाले, तो पहले तो हम लोग 10 एलिमेंट डाल देते हैं में। और आपके स्टाइलस से लिख रहे क्या, हाँ स्टाइलस से लिख रहे क्या पैड पे। दो मिनट हो गए, ठीक है। इसमें एलिमेंट देखो, ये 30 है, ये 5 है, ये 7 है, 8 है, ये 9 है, इस वजह से चलेगा वो, राइट। अभी मैंने क्या किया, दूसरा एक एरे बनाया, या अभी इस वजह से चले थे कि आपको मेरा पहला जो एरे है वो 30, उसमें वो एलेवन 5 7 8 9 10 12 23 1 0, ये मेरा ए ऑफ आया, मतलब ए है बेसिकली जो फर्स्ट एरे, ऐसे बोल सकते हैं। ये जो मेरे है ये मेरा सेकंड एरे है जो बी है। अभी मैंने क्या किया देखो, मैंने बी का एक एरे बनाया है, को उसकी साइज़ क्या रखी है, जो ए की साइज़ है तो वैसे सेम साइज़ बन जाएगी। यहाँ पे कुछ इनिशियलाइज नहीं किया, जैसे मैंने एरे को डिक्लेयर किया है, हम लोग बोल सकते हैं, मैंने जैसे बताया था कल भी, जब भी कभी डिक्लेयर करो तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सबकी 0 हो जाएगी, क्योंकि इंट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो सब में 0 0 प्रिंट हो जाएगा। ओके यहाँ पे आप देखो जे की वैल्यू क्या है, 0 है इनिशियल। आई की वैल्यू इनिशियली क्या हो जाएगी, ए डॉट लेंथ माइनस, ए डॉट लेंथ कितना हुआ रे, कैलकुलेट करो, 10 10 होता है, 10 माइनस 1 कितना हुआ, 9 हुआ, तो आई की इनिशियल वैल्यू क्या हो जाए, 9 हो जाएगा। तो ये मेरा 0th इंडेक्स है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, 6 7 8 9। तो अभी ये 9 है तो आई की वैल्यू 9 हुई, तो हम लोग कंपेयर करें, 9 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है क्या, हाँ कंडीशन ट्रू है, तो इसके अंदर चला गया उसने। उसने क्या किया देखो, आई किसको रिपीट कर रहा है, देखो आई की वैल्यू क्या है, 9 है, मतलब ए ऑफ 9 है, ए ऑफ 9 की वैल्यू क्या हुई, ये वाली हुई 0 हुआ। जे की इनिशियल वैल्यू क्या है, चेकआउट करो, जे की इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 है, यहाँ पे मैंने 0 मेंशन किया था। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ए ऑफ 9 की वैल्यू इसमें डाल रहे हैं, मतलब ये वाली वैल्यू कॉपी होके कहाँ पे जाएगी, इसमें जाएगा, तो इसमें 0 है तो इसमें कॉपी करके उसने 0 डाल दिया, तो मेरा फर्स्ट टाइप ये हुआ ना। फिर यहाँ पे देखो जे प्लस प्लस के, मतलब जे की वैल्यू 1 से बढ़ गई, जे की वैल्यू 0 थी, अभी वो 1 हुई, राइट। आई की वैल्यू क्या हुई देखो, माइनस माइनस किया है, तो आई क्या होगा इस केस में, कम हो जाएगा, 9 की जगह 8 हो जाएगा,
सो आई इक्वल टू 8, सो 8 नाउ आई नीड टू चेक 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है, हाँ कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आई आई किसको पॉइंट कर रहा है, 8 को पॉइंट कर, मतलब आपको अभी इसको पॉइंट कर रहा है, इसकी वैल्यू किस में चला जाएगा, बी ऑफ जे, जे की वैल्यू क्या है लेटेस्ट 1 है, बी ऑफ जे मतलब ये इसको पॉइंट करेगा, मतलब आपका ये जो 1 है अभी ये इसमें कॉपी हो जाएगा 1 में, तो इसीलिए इसकी वैल्यू क्या आई, इसकी वैल्यू अपडेट होके 1 हो गए। फिर आपका जे 1 से बढ़ेगा और आपका आई 1 से कम होगा, राइट right? तो जे अभी इसकी वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू क्या है 7 है, यहाँ पे आने का चेक करेगा भाई वो ग्रेटर देन 0 है, एक ग्रेटर इक्वल टू 0 है, हाँ 0 है, यहाँ पे मैंने गलती कर दिया, एक सेकंड ना, ये 10 नहीं लेना हमें, यहाँ पे 0 लेना है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन देखो ये 0 है, तो 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, कंडीशन ट्रू है, इसीलिए अंदर चला गया। अभी आपका आई किसको रिपेयर कर रहा है, 7 को रिपेयर कर रहा है, जे किसको रिपेयर कर रहा है, 2 को, तो ये 23 किस में चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू अपडेट होकर 23 होगी। फिर आई की वैल्यू क्या होगी, 1 से कम होगी, माइनस माइनस किया तो हम लोग चेक करेंगे ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, हाँ वह कंडीशन कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे आएगा, अंदर आएगा, इसकी यहाँ पे आने के बाद आपके जे की वैल्यू भी बढ़ गई 1 से 3 हुए, तो चेक करेगा ए ऑफ आई, मतलब ए ऑफ 6 की वैल्यू क्या है, 12 है, वो वैल्यू किस में चले जाएगा, इसमें चले जाएगा, तो इस वजह से पूरा हरे भर जाएगा, जैसे ही आरे भर गए मतलब आपका ये सारे एलिमेंट रिवर्स हो गए, बस मैंने इसको भी प्रिंट किया, सबको समझ में आया कैसे किया मैंने ये, किसी का डाउट है अभी इस केस में, सर एक इटरेशन बताइए, कंसोल कौन सा इटरेशन बताना है, यही हुआ ना, ये इटरेशन ही बताया ना मैंने पूरा आपको, यही था ना, आई की वैल्यू वैल्यू 9 दिया, फिर 8 लिया, 7 लिया, 6 लिया, सर सेकंड फॉर लूप नहीं डालेंगे सीधा सिस्टम, मतलब प्रिंट करेंगे तो नहीं होगा क्या? नहीं आपका कॉपी, आपका एरे से कॉपी हो जाएगा ना, बाकी कुछ नहीं होगा, राइट right? आपको पता कैसे चलेगा आपने जो किया है सही किया है कि नहीं, तो आप इंटरव्यू की इतना भी दिखाओगे ना तो अभी भी काम बन जाएगा आपका, आपने इतना भी दिखाया ना तो भी अपना काम हो जाएगा, ये बस मैंने आपको दिखाने के लिए किया है, आपको इतना ही करना था, ऐसे ही बोल सकते हैं। सर हाँ हेलो हाँ बोलिए ना, सर हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, ए ऑफ आई इज इक्वल टू ए ऑफ 9 माइनस आई, मतलब तो वैसे होता नहीं है क्या, क्या एग्जैक्टली हो नहीं जाएगा, होता। होगा ना, लेकिन इससे क्या होगा पता है क्या, देखो ना इसकी वैल्यू इसमें चले जाएगी, राइट आप ऐसे बोलोगे आपके हिसाब से लॉजिक से, तो हाँ ये कि इसकी ये 0 कहाँ गया, फिर ये ओवरराइड हो गया ना, इसका 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 कैसे करोगे, जब इसका इंडेक्स 9 पे आएगा तो आप इसको कहाँ पे डालोगे, यहाँ पे डालोगे तो यहाँ पे भी 30 आ जाएगा ना, वैल्यू ओवरराइड हो रही है ना, ओके तो वो दिक्कत है, ओके तो इसीलिए हमें दो दो आयरे लेने ही पड़ते, उसके बिना काम ही नहीं बनता, सर बी ऑफ जे का समझ में नहीं आया सर, काहे नहीं कह रहा अपन, इतना जे दिया ना, सर बोलिए ना कोई तो सर बोलिए। फिर हम दूसरा एरे लेकर जैसे बी ऑफ जे लेकर ए ऑफ 9 माइनस आई कर सकते क्या, ए ऑफ 9 माइनस 9 माइनस आई, 9 माइनस आई, हाँ वैसे भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, वो कैसे होगा पता, ये आपका कॉल है, आप यहाँ पे 9 माइनस आई करो वो भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने सिंपलिसिटी के क्या किया, मैंने इनिशियल 0 किया और एक बार 1 बाय 1 बाय बढ़ा गया, अभी आप उसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हो, देखो चाहिए तो आप वे कर भी देखता हूँ मैं आपको, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो अगर चाहिए ना आपको, यहाँ पे वो लिखना है 9 माइनस आई, वैसे करो आपको वही लॉजिक आ जाएगा, देखो ना आई की वैल्यू इनिशियल क्या है 9 या 9 माइनस 9 0 हो जाएगा, तो ये वैसे भी चलेगा, देखो आपको वही आ रहा नहीं सर मैं ऐसे नहीं बोल रही थी, मतलब सिर्फ हम बी ऑफ जे इज इक्वल टू ए ऑफ 9 माइनस आई एस, बी ऑफ जे फिर इक्वल हाँ, टू और ए फिर ऑफ हम लोग प्रिंट 9 माइनस आई, ए ऑफ 9 माइनस आई और हम लोग जो प्रिंट करेंगे वो रहेगा बी ऑफ जे, ठीक है ना, वैसे भी चल सकता है, आपने मैंने जो किया है ना अभी, और ये दोनों एक ही अगर अगर ऑब्जर्व करोगे तो आपका कॉल है अभी, ये 3 वैसे चला मैंने बताया और आपने बताया, वैसे भी चल सकते हैं, हर एक अपना अपना लॉजिक होता है, सर अगर अगर ऐसे किया तो फिर वो फॉर लूप लगाना पड़ेगा क्या, मतलब इंट आई इज इक्वल टू ए लेंथ वगैरह नहीं लेना पड़ेगा ना फिर शायद, ये लेना ही पड़ेगा ना, उसके बिना इटरेट कैसे होगा,
बस आपको आपको पॉजिटिव वाला लगाना पड़ गया, ये वाला फॉर लूप करना है। हाँ वैसे भी आपका हाँ कॉल है, अभी कैसे करना है इसके ऊपर, अब ये वाला भी ले सकते हैं। ऐसा करो फिर, ठीक इससे क्या होगा, नाइन्थ लोकेशन की वैल्यू इसमें कॉपी हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो पता है कि आपको यहाँ पे हार्ड कोड डालना पड़ा नाइन्थ, राइट ना। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर इसको ये वाला थोड़ा झंझट ज्यादा करना पड़ेगा, ये पूरा यूनिट्स होते ना, तो -1 लिखना पड़ेगा ऐसा करके, फिर माइनस आई करना। ये कितना कॉम्प्लिकेट होगा ना, क्योंकि हम नाइन डाले तो हार्ड कोड हो जाएगा। तो इंटरव्यू में मान लो कि ये वैल्यू चेंज किया है, तो बोले अभी करके देखो, अभी रन होगा क्या, फिर प्रॉब्लम होगा ना। तो प्रॉब्लम हमेशा यूनिट से होना चाहिए, ओके, सबके लिए अप्लीकेबल होना चाहिए। तो इंडायरेक्टली इसने ये ऐसे कर, नाइन आपको यहाँ पे ऐसे दिया उसने, क्योंकि इसके लिए 10 -1 9 ऐसा दिया, ठीक है। ओके अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या प्रोग्राम होगा, समझ में नहीं आया सर, क्या नहीं समझा अभी इसमें सर। ये जे का समझ में नहीं आया सर, बी और जे का। इनिशियली हम लोगों ने जे के लिए इनिशियल 0 किया है, बस मुझे जे किसके लिए किया है, मैंने इस इंडेक्स इन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जे लिया है, बाकी कुछ नहीं है। मुझे जो लास्ट की वैल्यू में उठाना है, मुझे इसमें डालना है, कौन से इंडेक्स में डालना है, इसके लिए मेरा जे है। इनिशियल 0 है, मतलब ये 30 की वैल्यू क्या होगी, इसमें चले जाएंगे। फिर मेरा जे बढ़ रहा है तो, और ये भी कम हो रहा है, ये कम हुआ मतलब ये इसको पॉइंट करेगा और जे इसको पॉइंट करा, तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, वही तो लॉजिक है जे का, ठीक है। ओके अभी नेक्स्ट क्या करना है हमें, हमें देखना है दो एरे इक्वल करना है, कंपेयर करना है, ये वाला क्वेश्चन पूछा था मेरे को। राइट अ प्रॉब्लम टू प्रिंट और क्या बोल सकते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू एग्जामाइन टू एरेज आर इक्वल और नॉट, ये हमें पुश करना है। जैसे कि ये वाला प्रॉब्लम है, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो दोनों एलिमेंट है क्या इसमें, तो इन अबव केस में बोथ एरेज आर इक्वल, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी 30 है, यहाँ पे भी 30 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 10 है, कोई भी एलिमेंट ले लो आपको ये सेकंड एरे में मिलने वाला है, राइट। ये समझ में, तो ये एरे इक्वल है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसमें से कोई तो एक एरे की वैल्यू चेंज करता हूँ, इस 0 की जगह 1 2 2 2 आता है। नाउ टेल ये 122 आपको मिलेगा अगर इस एरे में, नहीं मिलेगा। नाउ टेल मी दिस एरे इक्वल और नॉट, तो ये एरे इक्वल नहीं है, तो हमें अमर टास ही है, तो आपको प्रिंट करना है एरे आर नॉट इक्वल, क्यों नहीं है, बिकॉज 122 इज नॉट इन फर्स्ट एरे, सेकंड एरे, राइट। समझ में सबको, ये हमने एग्जांपल दिया, किसी को अभी डाउट है क्या बताओ मुझे पहले। हेलो, नो सर, ठीक है, क्वेश्चन समझ में सबको कैसे करना है। तो हम लोग अभी क्या करते हैं, इसको उठाते हैं यहाँ पे डाल देते हैं, ओके, इसको भी निकालना पड़ेगा। अभी अपना लॉजिक क्या लगा सकते हैं, आप सोचो कि क्या लॉजिक लगा सकते हैं। ओके अभी ये वाला एरे का भी इक्वल होगा क्या, इस वाले केस में ही लेते हमें ये एरे, अरे ये एरे सेम ही करें, देखो ना, यहाँ नहीं यहाँ पे भी 12 है और यहाँ पे भी 12 है, तो यार इक्वल है क्या, नहीं एरे इक्वल, साइज डिफरेंट है ना, एग्जैक्टली, तो यार इक्वल नहीं है, तो यार इक्वल नहीं है, क्यों, एरे साइज डिफरेंट। तो अपना पहला लॉजिक क्या होगा, पहला कंडीशन क्या होगा, अगर दोनों का एरे साइज अगर डिफरेंट रहा, तो हम लोग वहीं पे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देंगे कि एरे आर नॉट इक्वल। सो तो पहले लिख देते हो, इफ ए ऑफ ए डॉट लेंथ
नॉट इक्वल है, तो नॉट इक्वल कैसे करना है, नॉट इक्वल बी डॉट लेंथ, array size, array dar not equal, ऐसे बोल देते हैं। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ी देर में लेते हैं। अभी हमें क्या करना है, ए array और ए array, तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो मैं पहला सी वाला एलिमेंट लूंगा, तो ये वाला एलिमेंट मैं पूरे बी में ढूंढूंगा कहीं पे है क्या। हाँ है भाई, बिना तो मैं क्या करूँ, हाँ मार करूंगा। फिर मैं फाइल को लूंगा, फाइल को इस पूरे एरे में ढूंढूंगा, मिलेगा, हाँ मिलेगा। तो ठीक है, तो ऐसे में सारे एलिमेंट्स लूंगा और सारे एलिमेंट में बी में देखूंगा। अगर मुझे सारे एलिमेंट बी में मिल गए तो इसका मतलब एरे सेम है। अगर मान लो कि यहाँ पे 55 है, राइट, ये 55 आपको इस एरे में मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो आप यहीं पे बोल सकते हो कि हाँ भाई ये एरे इक्वल है ही नहीं। ठीक है, सबको समझ में आया, चलो फिर आगे बढ़े क्या। तो हमें क्या करना है, जैसे कि ये, चलो तो हमें, मैंने जैसे बताया, ये 30 एलिमेंट लेना है और मुझे इस ये पूरे एरे में डालना है, तो इसके लिए अलग सा फॉर लूप चलेगा और इसके लिए अलग सा फॉर लूप चलेगा, लेकिन ये नेस्टेड फॉर लूप होगा। तो मैं क्या करता हूँ, और एक फॉर लूप लेता हूँ, मैं आपको डिबग करूँगा ना तो थोड़ा शायद ज़्यादा ऐड आएगा। जे इक्वल टू जीरो, जे लेस देन बी डॉट लेंथ दूंगा अभी फॉरवर्ड जे, में और रिवर्स में दोनों भी सेम चाहिए, सब नंबर्स तो ही इक्वल रहेगा। फॉरवर्ड में या रिवर्स में ऐसा नहीं है, मैं कोई भी कैसे भी नंबर डाल सकता हूँ इसमें रैंडमली। ये 30 यहाँ पे, अभी मान लो मे भी 30 ऐसा हो सकता है, 30 आपको यहाँ पे मिलेगा और लास्ट का 9 निकाल देता है, वो आपको उस एरे में मिलना चाहिए, सेकंड एरे में। ये ऐसा लॉजिक है, मतलब जैसे अगर मुझे 30 नंबर ढूंढना है, मुझे इस ये 30 नंबर मुझे इस एरे में मिलना ही चाहिए, जैसे मैं फाइव को ढूंढ रहा हूँ, ये फाइव मुझे इस एरे में मिलना ही चाहिए, देन आई कैन से हाँ भाई सेम है। अगर कोई भी नंबर डिफरेंट है, सो आई कैन से दिस टू एरे आर नॉट इक्वल। तो अभी देखो मैं वही कर रहा हूँ, ये मैं 30 को उठा रहा हूँ, मैं ये पूरे सेकंड एरे में देखा, ये मेरा सेकंड एरे जो है ना, यहाँ पे लिखता है मैं जे रिप्रेजेंट टू टू सेकंड एरे, ओके, यहाँ पे लिखता है आई रिप्रेजेंट टू फर्स्ट एरे, आई रिप्रेजेंट टू फर्स्ट एरे। तो भी मुझे क्या करना है, मैंने बताया, अब मुझे ये वाला एलिमेंट लेना है, ये इसका इंडेक्स क्या है, ए ऑफ आई, तो मैं चेक करूँगा भाई, इफ ए ऑफ आई इक्वल टू बी ऑफ जे, मतलब भाई जी बी ऑब्जेक्ट की वैल्यू है कि नहीं, ये 30 से मैच होगा क्या, राइट right? तो अभी इसको मुझे देखना पड़ेगा, अरे कैसे कर सकते, अगर इक्वल है तो चलता रहेगा, इक्वल नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे। तो मुझे इसके लिए फ्लैग लेना पड़ेगा, इसमें फ्लैग यूज ही करना पड़ेगा, बुलियन बी फ्लैग लेता मैं। मैं टेम्पररी क्या करता, इसको फॉल्स मार्क करता, पहले तो मैं फॉल्स मारूंगा, जैसे ही मुझे मिल जाएगा नंबर तो इसको मैं ट्रू मारूंगा, मुझे नंबर मिला, मेरा काम बन गया, मैं इसको ब्रेक मार लेता हूँ, ओके। अभी जैसे ये खत्म होता है तो मुझे बाद में देखना है कि मैं, अभी मुझे क्या करना पड़ेगा पता है, मुझे एक ओवरऑल फ्लैग भी डालना पड़ेगा, ठीक है, जैसे ये खत्म होता है तो मुझे एक ओवरऑल फ्लैग भी डाल देता, मैं एक फ्लैग से भी कर सकता हूँ, मैं इसको दो फ्लैग से करता हूँ और एक से भी बता दे बी ओवरऑल लिखता मैं, इक्वल टू ट्रू लिखता और इसको उल्टा करता। जैसे ये मेरा पूरा खत्म हो जाएगा, सो आई कैन डिसाइड इफ बी फ्लैग इक्वल टू फॉल्स रहा तो मैं इसको उल्टा करूँगा, तो मेरा जो ओवरऑल फ्लैग है ना, मैं इसको फॉल्स करूँगा, उसको मैं फॉल्स किया मैंने,
ये सारा जैसे मैंने बताया कि ये आपका पूरा खत्म होना चाहिए तभी आप इसके ऊपर काम कर सकते हो। तो इफ ये आपका डिसाइड करेगा कि आपका एरे आपको कैसे करना है। ये है एस वाई एस ओ बोथ एरे ऑफ इक्वल साइज, इक्वल नहीं इक्वल साइज नहीं, इक्वल इक्वल्स बोथ एरेज एलिमेंट आर इक्वल। एल्स आर के आर नॉट लिखा, ठीक है। हम लोग देखते हैं, मैं पहले आपको रन कर देगा। अगर आप ऑब्जर्व करते हो ये सारे एलिमेंट आपको मिलेगा तो आंसर आपको ये आना चाहिए पहला वाला। देखते हैं मैं रन कर देखता हूँ। हाँ बड़ा ना एरे के सारे एलिमेंट है, इसमें से एक कोई तो नंबर में निकाल देता, कोई तो 9 है ना, इसकी जगह मैं 19 कर देता हूँ। लेट्स सी आपका आंसर क्या आना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए, बराबर इक्वल नहीं, तो अपना काम तो बन गया, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कि इसको करता कैसे एग्जीक्यूट, ये होता कैसे एग्जीक्यूट है। इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अपना डिबग के लिए, चलते हैं डिबग के लिए लगेगा मेरे को, राइट होल्ड ऑन ना, इसको नेट करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, ये सारे एलिमेंट यहाँ पे डाल देता हूँ। देखो 30 ये 5 हुआ, 7 8 9 10 12 23 1 0 0 1 23 12 10 30 8 7 5 9, ठीक है। ये वाला आ रहा है देखो, तो इसमें कैसे कर सकते हैं, तो मेरा इनिशियली यहाँ पे आएगा ए आर ए डिक्लेयर। पहले तो उसने ये प्रिंट किया, भाई ये दोनों के साइज सेम है क्या, सेम नहीं है क्या, यहाँ पे देखा सेम नहीं है क्या, अगर नहीं है तो ही अंदर जाएगा और एरे आर नॉट इक्वल आएगा। इसमें अभी ये लिखा है क्या, एरे इक्वल है, यहाँ पे दोनों की साइज सेम है, तो इसने इसके अंदर चला गया, चल नहीं गया, ठीक है। अभी यहाँ पे आया, यहाँ पे आप देखो बुलियन ओवरऑल फ्लैग मैंने क्या किया, ट्रू किया, तो मैंने एक वेरिएबल लिया बी ओवरऑल प्लेयर, इनिशियल इसकी वैल्यू क्या है, ट्रू है, तो मैं इसको ट्रू रखता हूँ। तो इसके बाद वो यहाँ पे आया, आई क्यू वैल्यू इसने इनिशियलाइज कर दी, आई क्यू वैल्यू 0 इनिशियलाइज कर दी, फिर इसके अंदर उसने चेक किया कंडीशन, उसने चेक किया कंडीशन ट्रू है तो अंदर आया, उसको क्या मिला बुलियन फ्लैग, क्या मिला फॉल्स मिला। यहाँ पे है, उसने क्या किया देखो, जे की वैल्यू क्या है, 0 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
जे की वैल्यू क्या है, जीरो है, उसने चेक किया जे कंडीशन ट्रू है, उसने चेक किया जे की वैल्यू क्या है, कंडीशन ट्रू हुआ। कंडीशन ट्रू होने के बाद वो क्या होगा, अंदर आएगा। अब ये बहुत मैटर करता है। नाउ टेल मी, ए ऑफ आई इक्वल टू बी ऑफ जे, इसका मतलब क्या होता है? ए ऑफ आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ए ऑफ आई इक्वल टू बी ऑफ जे। ए ऑफ आई के, आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है अभी, जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है, 30 है। इक्वल टू बी ऑफ जे किसको रिफर कर रहा है, जे की वैल्यू जीरो है, राइट? देखो जे की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो ये किसको रिफर कर रहा है, जीरो को। नाउ टेल मी दिस टू नंबर्स आर इक्वल, नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हो, इसलिए इसके अंदर नहीं चला गया, तो यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद तो यहाँ पे आ जाएगा, आपका आई बढ़ेगा। यहाँ पे देखो क्या बढ़ रहा है आपका, ये कर्ली ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इसका मतलब क्या हो, नाउ योर जे विल इंक्रीज नॉट आई, आपका जे बढ़ रहा है, इसीलिए मैंने ये वाला रखा है। तो आपको ये हमेशा थ्रू आउट आपका ये पूरा फॉर लूप होने तक आपका ये आई की वैल्यू जीरो रहेगी। तो आपका जे की वैल्यू क्या है, वन हुआ, तो यहाँ पे मैं लिख देता, आपकी आई की लेटेस्ट वैल्यू जीरो ही रहेगी और जे की वैल्यू वन ही रहे, वन होगी वो अपडेट होके। नाउ टेल मी आई रिबल किसे कर रहा है, जीरो को, जीरो मतलब ये वाला हुआ और आपका जे की वैल्यू भी वन है, तो ये। नाउ टेल मी 30 इक्वल टू वन है, कह रहे कंडीशन फेल है, तो अंदर नहीं चला गया, तो फिर जे आपका बढ़ेगा, जे की वैल्यू टू हो जाएगी। वो फिर से चेक कर, 30 इज इक्वल टू, अभी ये 23 देखेगा, राइट? वो ऐसा करते करते पूरा एरे तक सर जाएगा। जैसे एजम कर लो आपको 30 यहाँ पे मिला, राइट? इस पोजिशन को आपको 30 मिला, तो क्या हो जाएगा इस केस में, 30 इक्वल टू 30, कंडीशन ट्रू हुआ, यहाँ पे कंडीशन ट्रू हुआ, इसीलिए उसने क्या किया, इसके अंदर चला गया। अंदर चलने के बाद उसको दिखा, अरे बुलियन फ्लैग विल ट्रू लिखना है अपने को करना, ये जो फॉल्स की वैल्यू थी, नाउ इट विल गेट अपडेटेड टू ट्रू। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे वो नंबर मिल गया, तो इमीजिएटली मैंने ब्रेक किया। ब्रेक क्या करता है पता है का, इमीजिएटली आपका जो भी फॉर लूप है उसको वो वहाँ से बाहर निकलता है। अगर मान लो आपका जे की वैल्यू 4 आपको मिला, उसमें आपकी कंडीशन ट्रू हुई और ये वाला ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, तो आगे के जे इक्वल टू 5 6 7 8 9 जो भी है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, याद रखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्रेक स्टेटमेंट आपको ये, इसका फायदा ये है आपको, उसका एग्जीक्यूशन टाइम बचाता है, तो इसका ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ। जैसे ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, इस फॉर लूप से ही बाहर आया, तो अभी ये यहाँ पर आ जाएगा। वो चेक करेगा भाई बुलियन फ्लैग की वैल्यू क्या है लेटेस्ट, यहाँ पे ट्रू है और यहाँ पे फॉल्स है, था कंडीशन क्या हुए रे, फॉल्स है, इसीलिए उसके अंदर चला नहीं गया। तो मेरा ओवरऑल फ्लैग क्या आ रहा, ट्रू का ट्रू ही रहा, फॉल्स नहीं हुआ, राइट? सबको समझ में आया अभी ये वाला इटरेशन, सबको समझा क्या ये वाला इटरेशन? सर वो बुलियन फ्लैग का जरा बता दो ना, बुलियन फ्लैग कैसे होता है पता है क्या? देखो बुलियन फ्लैग कैसे होता है, बुलियन फ्लैग इन योर चेक लिस्ट। अगर मान लो कि आपको 10 चीजें लेना है ए बी सी डी, तो आप क्या करते हो, यहाँ पे ए बी सी डी 10 चीजें लिखते हो, आप देखते हो ना कोई जो भी आपको चीज ढूंढनी हो, ढूंढने के बाद यहाँ पे क्या करते हो, टिक करते हो। ये मतलब क्या होता है, इनडायरेक्टली आपके हिसाब से, आपके हिसाब से टिक होता है, पर प्रोग्रामिंग के हिसाब से बुलियन फ्लैग हुआ ना, मेरे को मुझे नंबर मिल गया, हाँ मिल गया। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, आपको थोड़ा सा कोरिलेट हो जाएगा। जैसे आप डीमार्ट में कभी जाते हो और कोई चीज आप परचेस करते हो, विदाउट परचेस किया आपने उसको बाहर लेके आया, तो क्या होता है, वहां पे वो बजर होता है, बजने लगता है, बराबर ना? ऐसा क्यों होता है पता है क्या, क्योंकि जैसे ये काउंटर पे चला जाता है ना, वो उसको स्कैन करते हैं ना, उसका जो फ्लैग होता है ना वो फॉल्स कर देते हैं। ये फ्लैग को फॉल्स किया, इसका मतलब क्या हुआ, आपने वो परचेस कर लिया। अगर वो अपने परचेस ही नहीं किया तो उसका फ्लैग ट्रू ही रहेगा, ट्रू रहेगा तो यहाँ पे बजर बजेगा, जैसे वहां से पास होगा ना ये बजर बजेगा। तो सेम लॉजिक है, इनडायरेक्ट वो चेकलिस्ट ही कर रहा है। तो ये बुलियन ओवरऑल फ्लैग क्या करता है, मुझे इस एरे में सारी चीजें मिल रही है, और ये जो बी फ्लैग जो है ना वो क्या करता है, मैं स्पेसिफिक एलिमेंट के ले रहे हो, मतलब कैसे कि आपके इस केस में दो फ्लैग होंगे, तो ये जो छोटा सा होता है ये आपको बताएगा कि आपको कोई चीज़ मिली या नहीं मिली। जैसे कि मान लो ये मेरे जो बी है, मुझे मिला है नहीं, तो इसको मैं क्लोज कर दूंगा। तो एट दी एंड में जब आप एट दी एंड में जब जाओगे तो आपको पता चलेगा, अरे मुझे ये एलिमेंट नहीं मिला था और कौन सा ये नहीं मिला था, तो आपका टोटल क्या हुआ, आपको फेल हुआ। वैसे होता है ना एग्जाम में भी, कभी भी देखो आपके जितने भी सब्जेक्ट है, पांच या पांच सब्जेक्ट में आप पास होना चाहिए तभी आप पास होते हो,
तो अगर आप एक भी सब्जेक्ट में फेल हो, इसका मतलब क्या हो रहा है? टोटल फेल के ओवरऑल आपका क्या होगा स्टेटस? फिर ओवरऑल स्टेटस क्या होगा? फेल हो जाएगा। सेम लॉजिक वही किया मैंने। मैंने ये जो बी फ्लैग है ना, ये मेरे को इंडिकेट करके देता है कि भाई मेरा स्टेटस क्या है, ट्रू है या फॉल्स है। अगर एक ही बार में भी कोई भी चीज़ अगर नहीं मिली, इसका मतलब वो फेल ही होना है ना। अगर पाँच है, अगर पहले सब्जेक्ट में फेल होता, बाकी सब्जेक्ट चेक कर सकते हो क्या? अगर नहीं किया तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा। अभी समझ में आया ये वाला लॉजिक? सर फ्लैग कहाँ का यूज होता है? जहाँ पे भी आपको चेकलिस्ट बनाना हो कि वैल्यू देखना हो कि हाँ मुझे जो चाहिए था वैसे मिला कि नहीं, तब की भाई सिंपल है। और ऑटोमेशन में फ्लैग होगा, मतलब होगा बहुत टाइम पे लगेगा। मतलब मैं आई वुड सजेस्ट कि आपको 70% आपके फ्लैग के ऊपर ही काम होगा। क्योंकि क्या होता है पता है कि आपको दो दो तीन जगह की वैल्यू चेक करनी होती है मोस्टली। टेबल, अगर टेबल का भी एग्जाम्पल लोगे तो बेस्ट रहेगा। मतलब आपको बता होगा, एक टेबल है देखो, इसमें से बहुत सारी वैल्यूज है, ये वैल्यू है राइट। और एक दूसरा टेबल होगा, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू इसकी इसकी वैल्यू कंपेयर करना। तो आप कैसे करोगे? इसका एक एलिमेंट उठाओगे, ये पूरे टेबल के इसमें कॉलम में चेक करोगे, फिर ये एलिमेंट उठाओगे, फिर ये कॉलम में चेक करोगे। जो भी नंबर नहीं मिलेगा तो आप उसके ऊपर क्या करोगे, हाँ ये नंबर मुझे नहीं मिला, तो आप उसका भी फ्लैगिंग बनाओगे। मतलब चेकलिस्ट ही बना रहे हो ना इनडायरेक्टली। नहीं मिला मतलब क्या करे आप, चेकलिस्ट ही बना रहे हो। और सर अगर दो दो डुप्लीकेट वैल्यू होगी दोनों टेबल में तो वो कैसे रेफर करेगा? राइट ना, तो इस केस में इसीलिए हम लोगों ने फर्स्ट में साइज में लिया है। अगर दोनों की साइज सेम है तो ऐसा कोई तो नंबर होगा ही ना कि ये यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि साइज सेम। इसका मतलब क्या, ये मेरी लेंथ सेम है, जैसे कि यहाँ पे मैं 1 लिखता मैं, तो मुझे 1 दो बार मिला, इसका मतलब 7 नहीं है ना, 7 नहीं है इसमें। और ऊपर वाले में दो बार वन हुआ तो सॉरी, वो नीचे वाले में ऐसे किस पोजीशन को ऐसे राइट। करेगा? तो अभी क्या करना पड़ेगा पता है कि आपको, फिर से ये वाला लॉजिक लगाना है और आपको उल्टा लगाना है। अभी ये आपका फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, अभी ये सेकंड होगा, ये फर्स्ट होगा, मतलब समझ आए? अभी ये मेरा फर्स्ट एरे हुआ था, मैंने हर एक एलिमेंट इसमें ढूंढा है, फिर मैं क्या करूँगा ये वाला एलिमेंट इसमें ढूंढूंगा। अभी उतना डिफिकल्टी लेवल पे नहीं गए हम लोग, तो इतना ही ठीक है। और इतना भी कब बताया ना तो भी चलेगा। नहीं, एक ही एलिमेंट ढूंढना है ना या दो तीन ढूंढने सेकंड इसमें से? सारे ढूंढने ना हमें, ये 30 है तो 30 आपको पूरे ढूंढने हैं, ये 5 आपको पूरे एलिमेंट में ढूंढना है, पूरे एरे में ढूंढना है। एक ही एलिमेंट ढूंढना है, ओके एक ही एलिमेंट ढूंढना है। तो हम लोग अभी टेम्पररी क्या कर रहे हैं पता है, हम लोग यूनिक ही नंबर ले रहे हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहे हैं। क्योंकि इंटरव्यू भी आपको इतना, ये आपको डायरेक्ट ये प्रॉब्लम देगा और बोलेगा मुझे ये एरे सेम है कि नहीं बता, तो आपको इस वजह से चलते रहना। ठीक है, आपको ये समझ में है? एक मिनट यहाँ पे अभी बहुत खिचड़ी हुआ, एक मिनट ये इसको मुझे निकालने दो। ओके, जैसे कि अभी 30 वाला था फर्स्ट नंबर, ये मुझे मिल गया, तो मेरा बुलियन ओवर ऑफ फ्लैग ट्रू ही रहा, मुझे तो मिल गया, मेरा तो काम बन गया। अभी मेरा फिर से वैल्यू चेंज होगा। अभी अभी देखो यहाँ पे, ये मैं क्यों बता रहा हूँ पता है, ये नेस्टेड इफ है, नेस्टेड इफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी जैसे आपका प्रोग्राम पूरा एग्जीक्यूट होगा तो अभी यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आएगा, ये फॉर लूप इसको रिपेयर करते। तो आई की वैल्यू अभी, पहले देखो पहले 0 थी ना, आई इक्वल टू 0 था, अभी आई की वैल्यू अपडेट होगी और 0 की जगह 1 हो जाएगी। मतलब आपका ये अभी ये इसको इंडेट कर रहा है, ये जो 3 नंबर है ना उसको इंडेट कर रहा है, अभी मैप कर रहा है। अभी ये 3 नंबर में पूरे आ रहे में इंडिकेट ढूंढूंगा। फिर मैंने ये वाला कंडीशन हुआ, फिर मैं अंदर आया, अंदर आने के बाद मैंने फिर से उस फ्लैग को फॉल्स किया। फिर जैसे मैं अंदर आने के बाद फिर से मेरा जे इक्वल टू 0 किया, जे इक्वल टू 0 हुआ, फिर से मेरा वही काम चालू हुआ। आई की वैल्यू क्या है? 1 है, मतलब आपका ए अप 1 इज इक्वल टू इक्वल टू। बी की वैल्यू क्या है? 0 है, मतलब आपका ये 3 इसमें कम चेक करेगा, मतलब आप 3 को पहले 0 के साथ कंपेयर करोगे, हाँ इक्वल है क्या? नहीं है यार इक्वल, तो इसके अंदर गया है नहीं, अंदर गया है नहीं, तो फिर आपकी जे की वैल्यू बढ़ेगी, जे की वैल्यू बढ़ेगी। तो उसने फिर से चेक किया, ये 3 को उसने 1 के साथ चेक किया, है क्या? नहीं है। फिर उसने 23 के साथ चेक किया, ऐसा करते रहेगा। एज्यूम कर लो आपको ये 3 नंबर इस एरे में है ही नहीं, तो क्या होगा रहे? आपका बुलियन फ्लैग ट्रू होगा क्या रहे? कभी
बुलियन फ्लैग ट्रू हुआ कि ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ क्या? नहीं, तो मेरा बुलियन फ्लैग फॉल्स ही हुआ। तो ये पूरा फॉर लूप ढूंढने के बाद भी मेरा फ्लैग ये फॉल्स ही रहा, तो ये खत्म होने के बाद यहाँ पे आ जाएगा। आपकी लेटेस्ट वैल्यू क्या है बुलियन फ्लैग की? फॉल्स है। फॉल्स इक्वल टू फॉल्स है तो कंडीशन ट्रू, इसीलिए अभी ये वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा? फॉल्स हुआ। ये ट्रू की जगह मैंने अभी फॉल्स किया। ये पूरा चलता रहेगा। ये पूरा चलने के बाद यहाँ पे स्टेटस क्या आया? इसकी वैल्यू क्या है? फॉल्स है। ये कंडीशन फेल हुआ, कंडीशन फेल हुआ इसलिए यहाँ पे आया कि नहीं? बोथ आर आर नॉट इक्वल। सर कौन सी एलिमेंट नॉट इक्वल है? ये वाला थ्री वाला एलिमेंट नहीं था नहीं सर में, तो इसीलिए मेरा ये वाला फ्लैग फेल्स है। मतलब ये बताए, समझ में आया? ये वाला फ्लैग क्या करता है, इस स्पेसिफिक एलिमेंट है कि नहीं वो बताता है, और इस फ्लैग को हम के बेसिस पे, इस फ्लैग के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं मेरा ओवरऑल फ्लैग कैसा है। जैसे कि मेरे पास सब्जेक्ट है, पहले सब्जेक्ट में पास हुए, हाँ पास है, सेकंड में फेल हुआ, तो ये आपका फेल का फॉल्स का फॉल्स की वजह से ही आपका ओवरऑल आप क्या हो जाएगा, आप ओवरऑल क्या होगा? फेल ही हो गया ना, फिर वाला लॉजिक है। अगर आपको ये मिला आप पास रहेंगे, आप पास, आप पास पास, तो आपका ये पूरा का पूरा ट्रू ही हो जाएगा, क्योंकि इसको अपडेट ही नहीं करेगा इसकी वजह से। अभी सबको समझ में ही वाला प्रॉब्लम? सर इसमें एक ही एलिमेंट ही किया है थ्री वाला, अभी ऐसा देखना, अभी दूसरा देखना पड़ेगा कौन सा एलिमेंट है। मतलब जैसे सेवन है, सेवन यहाँ पे, हाँ तो ये चलेगा, एट है यहाँ चलेगा, नाइन है भी, ये नाइन नहीं है देखो, इसके लिए भी फॉल्स होगा। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि कौन सा नंबर नहीं है, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है, वैसा भी कर सकते हो। कौन सा नंबर नहीं है ये भी आप बता सकते हो। सर 30 के बाद 5 है या 3 है? अभी पता नहीं यार क्या है, 7 है, 7 है, ठीक है, 30 के बाद, 30 के बाद 5 है, 5 नहीं मिला ना मुझे, हाँ 5 मिला मुझे, तो जो भी नंबर नहीं मिलेगा ना मैंने उसका इटरेशन बता दिया, नहीं मिलेगा तो क्या होगा, मिलेगा तो क्या होगा। जैसे 30 मिला तो आपका ये बुलियन फ्लैग जो है ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू हुआ इसके लिए वो इसके अंदर चला ही नहीं गया, यहाँ पे ट्रू हुआ इसके लिए ये आपको ओवरऑल फ्लैग फॉल्स, मतलब ओवरऑल फ्लैग ट्रू ही रहा, तो आपको ये नंबर मिल गया, मतलब ये चेकलिस्ट में हो गया आपका, ट्रू मिल गया यार। जैसे 5 भी मुझे मिल गया, हाँ 5 को भी मैंने चेक किया। जैसे कोई तो एक नंबर होगा जो नहीं मिलेगा, तो अब क्या हो जाएगा इस केस में? आपका बुलियन फ्लैग फॉल्स ही रहेगा, तो आपका ये आप इसको मार कर, अरे ये नहीं मिला मेरे को, ये नहीं मिला, तो ओवरऑल स्टेटस क्या हुआ आपका? फॉल्स हुआ ना। आपको सारे ट्रू होगा तभी आप बोलोगे ना नंबर मिला मुझे। सर तो आगे के चेक करेगा कि नहीं अगर थर्ड पोजीशन पे फॉल्स हो मेरा? अभी आपके आपके लॉजिक के ऊपर डिपेंड है, आपको चेक करना है नहीं चेक करना। अगर इंटरव्यू कंडीशन में, ये कंडीशन में आगे का कभी चेक करेगा, अगर इंटरव्यू बोलता है कि मुझे बस देखना है कि नहीं है कि नहीं, तो आप यहाँ पे कहीं पे जैसे ही नहीं मिलता आप उसको ब्रेक भी डाल सकते हो, जैसे यहाँ पे भी आप ब्रेक डाल सकते हो, तो आपका काम भी बन जाएगा। जिस पोजीशन पे उसे नहीं मिलेगा ना वो उस पोजीशन से बाहर निकल जाएगा, मतलब समझे? ये वाला ये फॉर लूप से यहाँ से तो बाहर निकल गया, तो ये जैसे एग्जीक्यूट होगा तो उससे भी बाहर निकल जाएगा, इससे नहीं निकलेगा एक्चुअली, सॉरी इससे नहीं निकलेगा, तो आपको उस वे से थोड़ा ड्राइव करना पड़ेगा कि आपको कैसे करना है। यहाँ पे भी ब्रेक, हाँ यहाँ पे भी ब्रेक लिखना पड़ेगा फिर। जैसे कि मान लो एक नंबर है, ये 5 नंबर है, इसमें नहीं मिला उसको, हाँ इस एरे में नहीं मिला, तो ये फॉर लूप तो खत्म हुआ। अब ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है किसको रेफर करा? इस फॉर लूप को रेफर करा। देखो ना ये ब्रेक स्टेटमेंट किसको रेफर करा? ये ब्रेक इसके अंदर है, तो यहाँ पे जैसे ये एग्जीक्यूट होगा ये फॉर लूप से बाहर आए तो उसके आगे वाला रन नहीं रन करेगा। अब ये टोटल डिपेंड है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, सबको समझ में? ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स, मतलब कॉम्प्लेक्स क्यों लिया था, तो आपकी कभी कभी कुछ पूछे तो आपको ये फ्लैग के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, मतलब मोस्टली ऐसे वाले क्वेश्चन पूछेंगे। सर वो सेकंड इसमें भी ब्रेक लिखना चाहिए क्या? अभी मैं वही बताया, आपका रिक्वायरमेंट क्या है? आपको पूरा ट्रैवर्स करने का सारे एलिमेंट को, अगर करना है तो ब्रेक निकाल दो। अगर आपको जहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे एरे सेकंड एरे में नहीं मिला, आप यहाँ पे ब्रेक डाल दो, क्योंकि ये ब्रेक रिक्वायरमेंट नहीं मिला आगे ही आ रहा है। तो ये ब्रेक स्टेटमेंट क्या कर रहा है आपका? जैसे नंबर नहीं मिलता मुझे ये पता है कि ये नहीं चलने वाला है, मतलब नहीं का काम बन गया मेरा, तो मैं यहाँ पे ढूंढूंगा बस होगा ये वाला प्रॉब्लम। ठीक है, सबको समझे? अब ये वाला प्रॉब्लम यहाँ पे कॉपी कर देता फिर। यस सर। ठीक है, तो शायद से आज के लिए बस करते हैं। हाँ एक मिनट रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ, बाकी का डिस्कशन करते हैं।